हाय फ्रेंड नमस्ते। आज मैं आपको पनीर दो प्याज की रेसिपी बताऊंगी। एक पैन में पहले ऑयल डालें, उसके बाद प्याज जो कि मैंने चार कट किया है उसको उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जितना आपको तीखा करना है उसका मैंने पेस्ट बनाया। थोड़ा सा मेरा जब ये नरम पड़ गया प्याज तो मैंने उसमें ये प्यूरी पेस्ट डाल दिया। उसके बाद मैंने नमक और हल्दी डाला और फिर उसको मैंने कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। फिर जब ये देखिए थोड़ा ये कलर चेंज हो गया तो मैंने कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल दिया और उसको फिर से मैंने उसको 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ढक दिया। और उसके बाद जब इधर मैं मटर और पनीर फ्राई कर रही हूँ और इसको मैं लास्ट में डालूँगी। और इधर देखिए मेरा तेल छोड़ दिया तो मैं यहाँ दूध का मलाई अच्छे से ले लीजिए, एक कटोरी भर के ले लीजिए। उसके बाद आप उसको उसमें मिक्स कर दीजिए और इसको भी आप हो सके तो 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो कलर चेंज हो जाता है। और इधर मेरा पनीर फ्राई हो रहा है और लास्ट में अभी देखिए मैं पनीर और मटर को डाल दूँगी और थोड़ा सा आपको जितना ग्रेवी आपको जैसा ग्रेवी चाहिए, इसका ग्रेवी वैसे थिक रहता है तो अच्छा लगता है आपको, खाने में भी टेस्टी लगता है। मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है और उसको फिर मैं ढक दूँगी। अभी ये मेरा ऑयल छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैं लास्ट में हरा धनिया और हरी मिर्च का ऊपर से डाल देती हूँ। और एक बार ये आप ज़रूर बने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू देखने के लिए। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।